किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब दो तीन चार निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं, तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते हैं। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और 1 अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब लेकर। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण, सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई, और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी ये है,
कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। माननीय 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और माननीय इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अपविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने माननीय दूसरा एक उदाहरण है, 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास